मैं कि कैसे अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाएं, तो उसी के बारे में थोड़ा सा हिंट देने वाला हूँ। कोई स्ट्रेटजी नॉर्मल से ऐसे बताना, लेकिन नॉर्मल है बहुत, काम किया। वीडियो को पूरा देखना यार, स्किप मत करना, क्योंकि काफ़ी अपने ट्रेड को हद तक प्रॉफिटेबल बना सकते हो। जो चीज़ बताएं, ये नहीं कि हाँ 100%, और लोगों की तरह ये नहीं कि 100% आप उठा लोगे। अगर 100% ये होने लगता तो जितने लोग आपको लिख के बताते हैं ना, वो आपको लिख के बताते हैं ना, खुद ही करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाते हैं। तो ये चीज़ें रियलिटी में, तो रियल बोल देता हूँ, चाहे मेरा वीडियो आप देखो, चाहे बुरा लगे चाहे खराब, तो मेरा चीज़ है कि रियल बोल देना भाई साहब साहब। तो इसे चाहे इंडिकेटर उसके साथ आपको प्रैक्टिस होना चाहिए बहुत चीज़ों में, तो आप सक्सेस हो। और कभी भी रियल ट्रेड करने से पहले यार, डेमो 3 से 6 महीने ट्रेड करें। अब उसके बाद जब रियल आप सही से ट्रेड कर पा रहे हैं, तो जाके रियल में एंट्री लें, नहीं तो रियल में एंट्री कभी भी मत लें। पहले मैं बता रहा हूँ, मेरा वीडियो देखने में 1000 बार, एनी रिस्क एनी प्रॉफिट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैंने कभी भी सजेस्ट नहीं किया ये करो ये सब। जो भी चीज़ें बताता हूँ मैं, डेमो पे ट्राई करूँ, समझो डेमो पे। और मैं लाइव यहाँ पे अपना बताने वाला अकाउंट भी यार, कितना प्रॉफिट में लिया, $100 का कितना बना दिया, अभी मात्र 6 दिन में, 6 दिन में $100 का मैं कितना बना दिया। वो भी कैसे, मैं लाइव वीडियो एक बनाया था, अगर वो वीडियो लाइव एक वीडियो मैं इससे पहले बनाया था, FBS का था, एक ऑफर चल रहा था 300% दे रहा था, तो मैं उसमें $100 डिपॉजिट करके मैं उस पर ट्रेड करके कितना बना दिया हूँ। रिस्की ट्रेड था, हालांकि इस तरह ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए, बस एक लेकिन सिंपल सा आपको हिंट दूंगा, तो यार वीडियो को देखना। अब जैसे कि देख सकते हो मैं अपने MT4 में आ चुका हूँ। जो यहाँ पे जो लेवरेज है मेरे अकाउंट का 1.200 का है, यानी 1.500 का नहीं, 1.200 का है, यानी उससे कम है, समझ रहे हो। तो लेवरेज ये है अकाउंट में, और हेल्प टू वाला अकाउंट है, इसमें $300 का बोनस हमें मिला है। तो ये देख सकते हो ये एक रियल अकाउंट है, ये देख सकते हो, नहीं तो ये सोचो मैं स्क्रीनशॉट लगा। अब ये रियल अकाउंट है, ये मैं जैसे कि मैं कुछ इंडिकेटर्स लगाऊँ, कभी इस पर वीडियो भी बना दूंगा कितना कितना लगा के सेट करना है, तो इसमें बताऊँ इससे थोड़ा बहुत हिंट मिलेगा, ना कि 100% प्रॉफिट मिलेगा, समझ रहे हो। कोई भी जो करेंसी होती पेयर हुई है, किसी न किसी कंट्री की होती है कि वॉलेटाइल कंट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो एकदम एग्जैक्ट 100% सर्टिफिक आप ये नहीं कर सकते, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, लेकिन हाँ एक एक्सेप्ट कर सकते हो, 80% 90% ना वो लगा सकते हो। वो ज़रूरी नहीं 90% जो बोलो वो रियल ही हो जाए, वो फेल भी हो सकता है, क्योंकि कंट्री की देश की करेंसियाँ, देश में कुछ भी हुआ तो वो तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो करेंसी पर पड़ेगा, हर चीज़ पर पड़ेगा ना, ये चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ें लोग नहीं बताते, लेकिन मैं आपको यही बताऊं, लेकिन मेरे वीडियो को मेरे बात को ध्यान दिया करो, मैं एकदम ओपनली, जैसे कि यहाँ पे मैं लगाऊं, यहाँ पे मैं सिर्फ प्रॉफिट दिखाना चाहता हूँ अपने। कई लोगों का मैसेज आया यार अपना प्रॉफिट अकाउंट दिखाओ, कभी नहीं शेयर कर दिया, तो इसलिए मैंने कहा लो भाई बता बना ही दें, तो उनका भी वो हो जाए। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, अब मैं अपना ट्रेड ओपन करता हूँ, देखो ये रनिंग ट्रेड है, रनिंग ट्रेड है, जो कि मैं GBP USD पे मार रहा हूँ, 5 माइक्रो लॉट का, 5 माइक्रो लॉट 3 बार मार दिया हूँ, तो अभी ये भी प्लस में जाएगा। अभी वॉलेटाइल मार्केट है नहीं, मॉर्निंग का टाइम है, अभी लगभग 8-9 बज रहा है मॉर्निंग का, आज डेट है 30 अप्रैल 2020, तो आज का टाइम है, अभी इतना चल रहा है। मेरा फंड देख रहे हो इंक्रीज $803 हो चुका है, $803, इसमें 300 यार फंड है, वो बोनस है, उसके कुछ कंडीशन है, अगर उसको मैं फॉलो कर पाता हूँ तो मेरे वो रियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं तो नहीं। और ये कंडीशन क्या है भैया, डिस्क्रिप्शन लिंक दो, देख लो क्या है, उसको पूरा देख के समझ जाओगे। तो यहाँ पे इस तरह मैं ट्रेड लगाया हूँ, आप देख सकते हो रनिंग में, और स्टॉप लॉस नहीं लगाऊँ। तो जैसे कि कभी कभी आप देखते हो, आप किसी ना किसी से अलर्ट जरूर लिया करोगा, आपको नॉलेज नहीं है तो किसी ना किसी से अलर्ट जरूर लो। अब अलर्ट से ये नहीं होता कि अलर्ट ले लिए, सिग्नल ले लिए तो प्रॉफिट 100% दे देगा भैया, प्रॉफिट के साथ आप उसको मैनेज करो। अब जैसे कोई भी सिग्नल लगा देते हो सेल बाय में, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना आपको। अब सेल या बाय एग्जांपल GBP USD का सेल सिग्नल किसी ने आपको दिया, अब सेल सिग्नल जरूरी नहीं वो TP हिट हो जाए, वो अगर वो हिट नहीं, वो बाय द वे वो 40 पिप 20 पिप या 10 पिप 100 पिप का डाउन चला जाता है, अगर वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, समझ रहे हो, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोशिश करें उस पर ट्रेड मत लगे, नहीं तो क्या है मार्टिंगल उस पर मार सकते हो बिना स्टॉप लॉस के मारना। ये मैं बता रहा हूँ, ये सब जो है ना रियल पे मत ट्राई करना भाई, क्या बोल रहा हूँ, रियल पे मत ट्राई करना, डेमो पे करना, जब लगभग आपको उसका प्रॉफिट नज़र आए तभी इसको रियल पे अप्लाई करना, समझ रहे हो। या डेमो पे लगाओ अपने अकाउंट साइज के हिसाब से 0.05 का मार दो या, लेकिन सेम रीज़न, जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रेड GBP USD का लिया था 0.01 का, अब ये लगभग 40 से यानी 40-20 पिप जो भी माइनस गया, तो मैंने क्या किया एक ट्रेड उसी सेम दिशा में 0.05 का माइक्रो लॉट मार दिया, एक और मार दिया वो भी माइनस गया, तो ये फंड के हिसाब से भी मार सकते, लेकिन इससे क्या है सिग्नल मिला है तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सपोर्ट फिबोनाची के हिसाब से बंदा निकाल के दिया है, तो कहीं ना कहीं उससे ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पता है कि हाँ ये GBP USD डाउन ट्रेंड जाएगा ओवरऑल। अगर हाँ कोई पैटर्न चेंज होता है तो भी जिसने दिया कहीं ना कहीं ग्रुप में जिसके भी हो गए वो अपडेट कर ही देगा, ये कर दिया स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भाई उसमें नहीं करना है मार्टिंग, बाकी स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं होता तो आप कोई अपने मन से भी जैसे एक सिग्नल है माइनस चला गया तो वहाँ पे एक उसके नीचे लगा सकते हो, जैसे सेल का लगा सेल ही का मारना है 0.2 का मार सकते हो, तो अपने बैलेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन ये डेमो पे मारना है।
पहले बता रहा हूँ डेमो पे मारना है। डेमो पे जब मारोगे, बार बार मारोगे, कई बार देखोगे, जब तुम्हें प्रॉफिट नज़र आए कि हाँ यार प्रॉफिट हो रहा, तो फिर अपने हिसाब से भाई डिसीजन लेने, क्योंकि पैसा आपका है, फंड आपका है, तो अपनी मर्ज़ी से करो। तो ये चीज़ें हो गई, यहाँ पे थोड़ा हिंट आपको मिल गया कैसे क्या करना है। अब समझदार के लिए सारा काफ़ी है, इसी हिंट से काफ़ी प्रॉफिट उठा लेंगे। अभी यहाँ पे अब थोड़ा ट्रेड में चला जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ मैं कितना प्रॉफिट किया। जैसे कि मैं यहाँ पे चला जाता हूँ 22 अप्रैल, क्योंकि 22 अप्रैल को मैं डिपॉजिट किया था, उसका वीडियो बना है, अपलोड है 300% वाला। तो यहाँ पे देखो 22 अप्रैल को मैंने $100 डिपॉजिट किया, 300 तो बोनस मिल गया, बोनस से एक मुझे मार्जिन मिल गया, ट्रेड ज़्यादा बड़े लॉट लगा सकूँ। रिस्क मैंने बहुत लिया, जो कि मैं 500% का प्रॉफिट उठा लिया मात्र 6 दिन में। 2 दिन मार्केट बंद ही होता है, सैटरडे संडे, तो मैं 6 दिन में प्रॉफिट उठाया $403। $403 की वैल्यू में बता दूँ इंडियन रुपीज़ कितनी हुई, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ $403 लाइव देख रहा हूँ। यहाँ 30,364 रुपये, अगर 6 दिन में 30,364 रुपये होता है आ जाता तो कोई कम थोड़े है यार, बहुत है। यानी $403 में प्रॉफिट उठाया, आप देख सकते हो, ये देख रहे हो, ये 22 का। अब टू डे का अभी तो $14 हुआ, अभी शाम तक मैं मार्केट 12 ही टाइल होगा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड ये चीज़ें मेरा प्रॉफिट भी देख लियो कि कितना हो गया, समझ रहे हो। अब ये ऑफर का जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इसमें मैं वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ये देख सकते हो। लेकिन देख लेना टर्म एंड कंडीशन, थोड़ा कस्टमर सपोर्ट होता है ब्रोकर से, उनसे भी डाउट्स अपने क्लियर कर लेना, कैसे टर्म है, कंडीशन क्या है, तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा दूँ मेरा जो बोनस का टर्म एंड कंडीशन, जो भी कंडीशन कि मैं FBS अपने अकाउंट में आ गया, यहाँ FBS जिस बोनस का जो फ़ायदा उठा था। अब देख सकते हो यहाँ पे मेरे ट्रेड, यहाँ पे देखो मुझे $100 डिपॉजिट किया था, जिसमें 300 फंड मिला था, लेकिन मैं टोटल बना लिया $803। और यहाँ पे रूल दिया हुआ है, बोनस का रूल है, यानी अगर मैं $450 तो आम बात है मैं प्रॉफिट कर लूँगा, ये पहला कंडीशन मेरा फुलफिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लॉट साइज़ का जो कंडीशन थी, ये बहुत ख़तरनाक है। सबसे ज़्यादा लोग अगर पैसा अपना अकाउंट खाली करते हैं लॉट साइज़ की वजह से, काफ़ी लोग इसमें लालच में अकाउंट तो अपना खाली करते हैं। और यहाँ पे मेरा कमीशन से जो हुआ ये NGO में भी जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं मैं दान इतना $75 का कर चुका हूँ, यानी जो भी कमीशन बन रहा था कंपनी, वो क्या कर देगी आपके कमीशन को डोनेट कर दे रही NGO में, तो ये भी $75 का लगभग डोनेशन हो चुका है मेरी तरफ से। तो यहाँ पे कई फ़ायदा हो रहा है। अब यहाँ पे ट्रेड लॉट मेरा 5 ही स्टैंडर्ड लॉट टोटल हुआ अब तक 6 दिनों में, और लेकिन प्रॉफिट मैंने $402 कर लिया, 5 ही स्टैंडर्ड खेले था। लेकिन अब क्या है, अगर मैं लालच में सोचता मैं 30 लॉट ये भी कंप्लीट करूँ, बोनस $450 पाने के, यानी $300 पाने के लिए $450 वाला तो मेरा कंप्लीट, लेकिन ये वाला जो लॉट साइज वाला, ये वाला मैं कोशिश करूँगा, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं लालच में भाई कोशिश करूँ ये 300 के चक्कर में, और जो मैं $400 प्रॉफिट लूँ ये भी डुबो दूँ, तो ये मत करना। अगर आप कर रहे हो तो ये चीज़ें ध्यान देना है, आपको नहीं करना, नहीं पाओगे 300, नहीं पाओगे, आपका फंड डबल हो गया ना, तो बस उतना काफ़ी है। अब 22 मई के बाद क्या करना, निकाल लेना 22 मई तक हो जाए ठीक है, नहीं तो अपना प्रॉफिट, अपना सीड मनी निकाल लेना। बाकी मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ OkTFS ब्रोकर, बस ये बोनस के लिए मैं इसमें $100 सिर्फ डिपॉजिट किया, बोनस का प्रॉफिट उठाने के लिए और मार्जिन का उठा के बड़े ट्रेड लगाने के लिए। तो फ्रेंड ये सब चीज़ें हैं अपने माइंड में ये रखना, और लालच नहीं करना। और मंथली आप ये एवरेज निकाल के चलो यार मुझे 25-50% प्रॉफिट हो जाए बस, ज़्यादा लालच ज़्यादा के चक्कर में। और कभी कभी ये भी सोचो प्रॉफिट ना भी हो लेकिन मेरा अकाउंट सिक्योर रहे, लॉन्ग टाइम मैं बना रहूँ, चलता रहूँ, ये चीज़ें। अब जब फंड आपका इंक्रीज होगा धीरे धीरे, तो क्या जब बड़े होंगे तो उसके बाद लॉट साइज और अपना नॉलेज इंप्रूव करो, और चार्ट को देखा करो, कोई इंडिकेटर लगाओ, कुछ भी चार्ट को प्रीवियस देखो, बार बार देखो। अब जरूरी नहीं चार्ट का जो कैंडल बनता है या डोजी या जो भी बनता है रिवर्सल, वही चीज़ें हो रही हैं, फिबोनाची और रिट्रेसमेंट कर रहा है, जो भी चीज़ें, समझ रहे हो। मैं एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, अगर आप चार्ट बार बार पीछे करके देख रहे हो तो क्या है ना, चार्ट से तुम्हें एक अंदाज़ा मिलेगा, 1 आवर से 5 मिनट देखा करो चार्ट, तो इससे एक अंदाज़ा मिलेगा तुम्हें, तुम्हारे माइंड में क्या है कैंडल स्टिक छप जाएंगे, कौन सा कैंडल कैसे बना है, तो ये प्रॉफिट दिया, ये ऊपर चला गया गिर रहा है, कौन सा कैंडल कैसे बना या किसके नीचे, कौन से मूविंग एवरेज के नीचे आया, तो ये नीचे चला गया मार्केट। और इसके अलावा newsforexfactory.com, जो कि मैं इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ और मैं उस पर भी बना चुका हूँ, ट्रेडिंग व्यू पर बना, तो सब वीडियो यार देख लो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं यार, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, और यार टेलीग्राम चैनल तो जाके ज्वाइन करो यार, क्योंकि बहुत अच्छी नॉलेज मैं देने की कोशिश करता हूँ। आई होप जो चीज़ है ना ओपनली बता दें, अगर जो चीज़ रिस्क, लेकिन ये सब जितनी भी स्ट्रेटजी अगर किसी और का भी आप देख रहे हो, देखो नॉलेज बढ़ाओ, बहुत से लोग हैं ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं उसने ट्रेनिंग दे दी आपको ये बता दी यहाँ स्टॉप लगा के, ये स्टॉप लगा ये वो लगा के, ना ये नहीं कि बस आप जाओ रियल में फंड झोंक दो। अब आपको क्या करना है, डेमो पे प्रैक्टिस करना, डेमो पे स्ट्रेटजी लगाना मिनिमम 1-2 मंथ,
अगर वो लगे हाँ एक्यूरेट जा रहा है उसके बाद लगाओ, नहीं तो भाई मत लगाओ ना, पता चला तुरंत लगा दिए निगेटिव में चला, बंदे को जाके गाड़ी देना चालू कर दिया। ऐसे डेमो डेमो जो है आपको फेक बैलेंस दिया जाता है, लेकिन क्या है वो जो मार्केट चलता है वो रियल मार्केट चलता है, लाइव मार्केट पे आप उसे जानकारी ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, इसलिए कितना मार्केट वैलिटाइल है होता है, कितना हो जाता है, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को एंड अप करता हूँ। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।